हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं नमक पारे, जिसे हम निमकी भी बोलते हैं। हम लोग इसको हमारे नॉर्थ ईस्ट में निमकी बोलते हैं। तो उसमें सबसे पहले चाहिए आपको 2 कप मैदा। उसमें आप काला जीरा थोड़ा डाल दीजिए। अगर काला जीरा नहीं है, आप चाहते अजवाइन डालने के लिए, तो आप अजवाइन डाल दीजिए या आप जीरा भी डाल सकते हैं। उसमें थोड़ा सा आपका स्वाद अनुसार नमक, कम हो तो ही अच्छा है। नमक डालने के बाद फिर उसमें आपको थोड़ा थोड़ा करके तेल डालना है। रिफाइंड डाल दे दीजिए आप, या तो आप उसमें घी भी डाल सकते हैं, देसी घी भी डाल सकते हैं। और उसको आपको ऐसे करके मिक्स करना है अच्छे से। मिक्स करके फिर आपको ऐसे करके देखना है वो मुट्ठी में आ रहा है कि नहीं। अभी मैं इसको अच्छे से मिला रही हूँ और मिलाकर मैं बार बार इसको चेक करूँगी कि वो मुट्ठी उसका बन रहा है कि नहीं। बिना कोई पानी डाल के सिर्फ मैंने इसमें रिफाइंड डाला है। अभी हमने देखा कि उसमें मुट्ठी बंध रहा है, तो फिर उसमें हम ठंडा पानी से उसको फिर धीरे धीरे गूंदेंगे। तो ठंडे पानी से फिर मैं उसको हल्के हाथ से उसको गूंद रही हूँ और उसके बाद गूंद के हम उसको 15 मिनट के लिए या आधा घंटा 15 मिनट के लिए उसको हम उसको रेस्टिंग टाइम देंगे। उसको रख देंगे ढक के। आप कपड़े में ढक के रख सकते हो या किसी में। अच्छा, मैंने इसको बड़े जग से पानी डाला था, तो उसका मुंह बड़ा है, भारी भी है जग, जो मेरा कांच का जग है, तो उससे ज़्यादा गिर गया। तो इसीलिए आपने वीडियो में देखा होगा कि मैंने वापस से थोड़ा मैदा डाला। इंसान है, गलती हो जाती है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा, आपसे भी हो सकता है, थोड़ा पानी कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो वही मेरे से थोड़ा सा पानी उससे ज़्यादा ऐसे गिराते समय गिर गया था, इसलिए मैंने थोड़ा और मैदा डाल दिया था। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद इसको मैं अच्छे से गूंद कर, अच्छे से नरम करके गूंद के फिर मैं इसको देखा। अभी मैंने फिर देखा कि इसमें अभी भी पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही, मतलब थोड़ा सा लूज़ ही लग रहा था। तो ज़्यादा लूज़ रखेंगे तो बाद में हमको फिर मैदा और पाउडर मैदा हमको यूज़ करना पड़ेगा बेलने के लिए, और फिर वो पाउडर मैदा हमारा तेल ख़राब करेगा। तो जितना हो सके आप पाउडर मैदा ना यूज़ करें तो ही अच्छा है। फिर मैंने उसको अच्छे से गूंदने के बाद इसको ढक के रख दिया। गीला कपड़ा नहीं चाहिए, ऐसे ही मलमल का सूती कपड़ा से आप ढक लीजिए, या कपड़ा नहीं है नो प्रॉब्लम, आप उसको प्लेट से ही ढक दीजिए। फिर आधे घंटे बाद मैंने अभी इसको इसकी लोइया बना ली। अच्छे से थोड़ा सा गूंद कर, हल्के हाथों से गूंद कर इसकी लोइया बना ली। अब इन लोइयों को मैं एक एक करके इस बेलन में, चकला बेलन में इसको अच्छे से बेलूंगी। क्योंकि थोड़ा सा मेरे से पानी ज़्यादा हो गया था, तो मैंने इसमें मेरे को थोड़ा सा मैदा डालना पड़ रहा है। अदरवाइज़ आपको अगर देख रहे हैं कि आपका आटा टाइट ही है, तो आपको मैदा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैदा डालने से भी कोई ख़राब नहीं होगा, ना डाले तो भी ख़राब नहीं होगा। और क्योंकि ये मैदा है, तो आप जितना बेल रहे हो देख रही हैं, फिर से वापस श्रिंकों के बीच में आ रहा है। तो मैं इसको अच्छे से पहले बेल रही हूँ, पूरे अच्छे से चारों तरफ से, चारों कोना आपको अच्छे से पतला कर लेना है। मुझे बेसिकली पतला पसंद है, ज़्यादा मोटा मुझे पसंद नहीं है। जितना पतला होता है उतना क्रंची होता है, बहुत ही करारे बनते हैं, अच्छा लगता है खाने के लिए। अभी मैं इसको बेलने के बाद, मेरे पास एक पिज़्ज़ा कटर है, तो मैं उस पिज़्ज़ा कटर से मैं इसको काट लूँगी। आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है, नो इशू, आप चाकू से काट सकते हैं। मैं तो छोटे में स्केल से ही काटती थी, जो जितना मुझे याद है, क्योंकि हमारा पास ऐसा सीधा नाइफ नहीं था तब, तो मैं ऐसी स्केल से ही काट लेती थी। और तब बनाने का बहुत शौक था, तो ये नहीं देखती थी कि अभी चाकू है या कटर है। तब तो पिज़्ज़ा भी पता नहीं था कि पिज़्ज़ा भी होते थे। तो अभी तो मेरी बेटी ने ये ख़रीदा है पिज़्ज़ा कटर, जिसमें ये प्लेन वाला नहीं है, शायद एक प्लेन वाला भी मिलता है, इसमें ज़िगज़ैग का वो है आपका ब्लेड में, जो इसका ब्लेड है। और ये जब मैं घुमा रही थी, तो ये जब मैं इसको घुमाती हूँ, तो ये भी थोड़ा ऐसे ऐसे डोलने लगता है इसका। तो इसीलिए आपने देखा होगा, वीडियो में देख रहे होंगे कि थोड़ा ये कहीं मोटा हो रहा है, तो कहीं एकदम ही पतला हो जा रहा है। तो शेप कोई मैटर नहीं करता है, मैटर जो करता है वो होता है आपका टेस्ट, कितना क्रंची बना है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो अभी इसको मैं एक एक करके सब यहाँ पर प्लेट में निकाल रही हूँ। आप चाहे तो डायरेक्ट इसको कढ़ाई में भी डाल सकते हैं गरम तेल में। मैंने बाय द टाइम किचन में गरम तेल चढ़ा दिया है,
अभी इसको मैं पूरा एक एक करके अच्छे से निकाल के रख रही हूँ, बाकी को मैंने ढक कर ही रखा है। अच्छा, ये दूसरा वाला मैं आपकी सहूलियत के लिए दिखा रही हूँ कि आप चाकू से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कटर से ही करना है कि मेरे पास कटर नहीं है अब मैं कैसे बनाऊँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने बोला जब मैं छोटी थी, जब मैंने शुरू किया था बनाना, तो मैंने तो स्केल से ही किया था, लंबे लंबे जो स्केल मिलते थे ना उसी से ही मैंने किया था। अभी ये तो मैं इससे चाकू से कर रही हूँ। चाकू से देखिए थोड़ा सा पीछे करने वक्त ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इसमें मुझे, अदरवाइज सब ठीक है। तो ये देखिए चाकू से मैं कर रही हूँ, ये देखिए बीच में उठ रहा है। तो फिर मेरी बेटी बड़ा वाला चाकू लेकर आई, ये छोटा वाला चाकू है, इसी का एक बड़ा वाला भी रहता है नाइफ़, तो उसने कहा कि मम्मी बड़े वाले से करो, तो मैं फिर जाकर बड़ा वाला ले आई और अभी मैं बड़े वाले से कर रही हूँ। तो अभी ये उठ नहीं रहा है, ये आराम से हो रहा है। तो वही है, थोड़ा दिमाग लगा लेंगे तो सब कुछ हो जाता है। और ये देखिए ये बढ़िया से हो गया। अब इसको मैंने गरम तेल पहले ही करके रखा था, तो आप फिर भी आप चेक कर लीजिए, लेकिन ये एकदम पूरा जलता हुआ तेल नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैंने पहले एक डालकर चेक किया, एक डाला, अभी देखा कि हाँ ठीक है, तेल का टेम्परेचर ठीक है। उसके बाद फिर मैंने डाल दिया, और बहुत ज़्यादा नहीं डालना है एट ए टाइम, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, मैंने जितना डाला है आधा रख दिया है उसी लोई में से, और गैस को मैंने कम कर दिया है, गैस को मैंने कम कर दिया है। उसके बाद फिर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, अच्छे से फ्राई कर रही हूँ, और फ्राई करते करते इसको हल्का, आपको कम आँच में ही फ्राई करना है, अगर आप ज़्यादा आँच में फ्राई करेंगे तो आपका ये जल जाएगा। फिर इसको मैं कम आँच में ही फ्राई कर रही हूँ, फ्राई करते 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 आप देखिए इसको, ये धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो रहा है। अभी इसको मैंने फ्राई किया, अभी तक मैं कम आँच, अभी तक मैंने ज़्यादा नहीं किया है, आँच अभी तक मैंने कम ही रखा है। देखिए अभी ये धीरे धीरे अपना कलर बदल रहा है, बहुत ज़्यादा एक बार में इसलिए नहीं देना है ताकि फिर इनको जगह नहीं मिलती, फूलते नहीं हैं। अगर आपने कढ़ाई भर के तेल डाला है, बहुत ज़्यादा तेल डाला है, तो फिर आप ज़्यादा एक बार में डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने एकदम भर के कढ़ाई में तेल नहीं डाला है, तो इसलिए मैंने अभी थोड़े थोड़े करके ही फ्राई किए हैं। देखिए इनका रंग बदल रहा है, और एकदम आपको डार्क रेड नहीं करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि वो जब आप उसको तेल से निकालेंगे तो उस टाइम भी वो अपना हीटिंग प्रोसेस में रहता है, वो गर्म ही रहता है, तो वो उसमें उस टाइम भी वो अपना रंग थोड़ा थोड़ा बदलता है और थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो जाता है। ये देखिए ये हो गया मेरा, अभी इसको हम निकाल लेते हैं, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, पीछे टीवी चल रहा था, तो इसलिए आपको अभी आवाज़ नहीं आ रहा है कि इसका। अभी देखिए ये बनकर तैयार है, तीन चार बैच में मेरे आराम से हो गए थे, ये बनके तैयार है। और इसका आवाज़ सुनिए आप, अभी इतना करारा हुआ है ये।